आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं मोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट फूड्स फॉर लिवर एंड किडनी। दोस्तों, जहाँ बात आती है हमारी सेहत की, तो लिवर और किडनी जो होते हैं, इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। और हमें कैसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है शरीर में? देखिए, शरीर समय समय पर ऐसे संकेत देता रहता है। हमें समझना होता है कि हम फटाफट से उस प्रॉब्लम को समझें और अपना ट्रीटमेंट लें। प्रॉब्लम कैसे पकड़ में आती है, कैसे समझ में आता है? सबसे पहला है कि आपको खाना खाने की मतलब भूख नहीं लगना या मन नहीं करना, पेट अपसेट रहता है। दूसरा, ऐसे ही शरीर पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई हो जाती है, आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े से रहते हैं, थकावट बहुत जल्दी होती है, आपको अमूमन ऐसे पसीना आ जाता है, ऐसे छोटे छोटे दाने यहाँ आ जाएंगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आज मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ 11 बेहतरीन खाने जो आपके खाने में ऐड करके आप अपने लिवर और किडनी को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लें। नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले नंबर पे है हरड़। हरड़ सब जानते हैं दोस्तों, एक तरह की औषधि होती है। त्रिफला चूर्ण में भी हरड़ का इस्तेमाल होता है। अगर आपको किडनी या लिवर की कुछ प्रॉब्लम है तो आपको हरड़ का चूर्ण लेना चाहिए दिन में 2 बार चुटकी चुटकी गर्म पानी के साथ। लिवर को काम करने में मदद करती है, ये मजबूत करती है, उससे विषैले तत्व बाहर निकालती है, वो जो प्रक्रिया होती है उसको स्वस्थ रखती है, किडनी को हेल्दी बनाती है। तो ये वो खाने हैं जो आप अपने खाने में डाइट का एक हिस्सा बनाएंगे तो आपको किडनी और लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारी अन्य चीजें हैं। किडनी बीन्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो भी हमारी किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है, जिसको हम बोलते हैं राजमा, या उस शेप के जो बीन्स होते हैं वो भी आप खा सकते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं। दूसरे नंबर पे है लहसुन। दोस्तों, लहसुन का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं ना, तो आप इंटरनली स्ट्रांग बनते हैं, आपको बीमारियां कम घेरती हैं, क्योंकि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, लिवर को सुव्यवस्थित रूप से काम करने के लिए मददगार होता है। चकोतरा। चकोतरा यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रेपफ्रूट। ये किन्नू और जो मौसमी होती है ना, उसके बीच का एक टाइप होता है। ये स्पेशली किडनी और लिवर के लिए फायदेमंद होता है। इसका जूस आप नियमित रूप से पिए, दिन में 2 छोटे गिलास अगर इसका जूस पीते हैं, अगर डॉक्टर ने ऐसा डिक्लेयर किया या आपको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये वाला जूस पीना चाहिए। बीटरूट और गाजर, ये दोनों ही चीजें हमारे लिवर और किडनी के लिए बहुत अच्छी है, आपको काफी फायदा होगा अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, क्योंकि जो बीटरूट होता है वो हमारे शरीर में खून बढ़ाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो खून बढ़ाता ही है, उस प्रक्रिया को कंप्लीट। वैसे भी बीटरूट और गाजर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हमें स्वस्थ बनाता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। अगर रोज आप 1 गिलास बीटरूट और गाजर का जूस मिक्स करके आप पी लेते हैं तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। 5वां है ब्रोकली। दोस्तों, ब्रोकली वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती है, लेकिन कहीं कहीं मतलब बेची जाती है, ये मिलती है फ्रूट्स में, सैलेड में इसका मतलब सेवन किया जाता है, बहुत सारे डिशेस बनाते हैं, तो आप ब्रोकली का सेवन नियमित रूप से अगर करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स होती, क्लीन होती है, पूरी बॉडी से विषैले तत्व ये बाहर निकलता है। अगर शरीर इस तरह से नेचुरल तरीके से क्लीन हो रहा है अंदर से, तो हमारे लिवर को कम काम करना पड़ता है, तो सफाई में बहुत बड़ा योगदान है ब्रोकली का। शकरकंदी, इसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं हम,
ये भी हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। आपको रोस्ट करके खाना है उसको, आपको पानी में उबाल के या मतलब बहुत सारे ऑयल में नहीं, बस थोड़ा सा चाट वाट बना के आप उसको खाएं या ऐसे ही डायरेक्ट खाएं, तभी ये आपके लिए फायदेमंद है। सेब, दोस्तों सेब तो वैसे भी गुणों से भरपूर होता है, हम सब जानते हैं। एक सेब अगर हम रोज खाते हैं तो हमें बीमारियां नहीं लगती, ऐसा बहुत पुराने समय से बोला जाता है। तो आपको सेब का सेवन नियमित रूप से करना है, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी और आपका शरीर काफी स्ट्रांग भी होता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें विटामिन और मिनरल्स की जो मात्रा होती है, इफ वी कंपेयर विद द अदर फ्रूट, तो काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से फ्रूट्स भी हमारे लिवर और किडनी के लिए काफी लाभकारी है। प्याज, अनियन वैसे तो खाने के साथ हम सब खाते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा भूनना नहीं होता है। अगर किडनी और लिवर के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका सेवन करना चाहते हैं, तो जब मसाले में हम छोंकते हैं ना, तो बहुत ज्यादा आपको ब्राउन नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो इस तरह से प्याज जो है ये भी हमारे किडनी और लिवर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए फायदेमंद हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाय।